देखिए, अगर आप सैमसंग नोट यूज़ करते हैं, यानी कि सैमसंग नोट्स जिसमें हम कुछ भी राइट करते हैं, अपना लिखते हैं, तो अगर आप इसमें पीडीएफ को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर देखिए टॉप पर दिख जाएगा, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो प्ले स्टोर से पहले इसे अपडेट कर लीजिए नोट्स को, देन उसके बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाता है पीडीएफ। सिर्फ आपको इसे कोई भी पीडीएफ फाइल को ओपन करना है और ये इंपोर्ट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसे इंपोर्ट करने का, आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सवर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।